हेलो एंड वेलकम बैक टू योर रेस्पिरेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर इफ कंडीशनल्स, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस स्पेशली हम इनको फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंडीशनल टाइप जीरो की बात करते हैं, इसकी आईडी होती है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी कि इफ क्लोज के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज, और जो मेन क्लोज होती है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। सेकंड, कंडीशनल टाइप वन की बात करते हैं, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है और जो मेन क्लोज होती है उसमें सिंपल फ्यूचर यूज होता है। कंडीशनल टाइप टू, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, जो इफ क्लोज होती है उसमें सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट का यूज होता है और जो मेन क्लोज होती है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। कंडीशनल टाइप थ्री में भी इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वी थ्री, और उसके साथ वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस हियर कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में स्पेशली एक इफ क्लोज होती है जिसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, जो कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद एक मेन क्लोज शुरू होती है, मेन क्लोज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ इट रेन्स टुमोरो, इफ इट रेन्स टुमोरो इफ क्लोज है, सिंपल प्रेजेंट का यूज है और जो मेन क्लोज है उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज है, वी विल नॉट गो टू द बीच। ठीक है, तो इस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस बनाया जा सकता है। कंडीशनल टाइप जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या आईडी होती है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि इफ क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा और मेन क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट का यूजेस, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूजेस और थ्योरी पढ़ना, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये किस टाइप के सेंटेंस है, तो वहां पर हमें उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीरो कंडीशनल इज यूज टू कोई भी स्टेटमेंट बनाने के लिए रियल वर्ल्ड के रिगार्डिंग, और जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल टाइप जीरो के ड्यूरिंग आते हैं। इफ क्लोज हैज द सेम मीनिंग वेन और वेन एवर, यानी कि वहां पर अगर इफ के बजाय वेन और वेन एवर का यूज है तो उनका भी सेम ही मीनिंग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर तुम रेड एंड ब्लू मिक्स करोगे यू गेट पर्पल, तो तुम्हें पर्पल मिलेगा। बोथ ऑफ द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो दोनों के दोनों सेंटेंस किस में है, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर कंडीशनल टाइप जीरो सेंटेंस है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, आइस मेल्ट्स व्हेन यू हीट इट। अब देखो यहाँ पर सेम मीनिंग है, कंडीशनल टाइप सेंटेंस है, लेकिन यूज किसका हुआ है, व्हेन का। व्हेन का जब आप व्हेन यूज करते हो तो सेम ही मीनिंग होगा, यानी कि कंडीशनल टाइप सेंटेंस होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में जो मेन क्लोज है उसमें भी और इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, तो यहाँ पर कंडीशनल टाइप जीरो सेंटेंस है। जीरो कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस का यूज इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंपेरेटिव यानी कि ऑर्डर देने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है मेन क्लोज में। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होती है। इफ द टेम्परेचर गेट्स बियॉन्ड 50, अगर टेम्परेचर 50 के पार चला जाता है प्रेस दिस बटन, तो बोथ ऑफ द सेंटेंस इज इन कंडीशनल टाइप जीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल टाइप वन की, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी कि जो इफ क्लोज होती है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है और जो मेन क्लोज होती है वो सिंपल फ्यूचर में होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल फ्यूचर मीन्स विल प्लस वर्ब। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, क्या वेरिएशंस होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। विल के बजाय इसमें मॉडल्स का यूज भी किया जाता है, कहाँ किया जाता है, जहां पर सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी की बात आती हो, और जहां सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी की बात आती हो, इस तरह की बात आती हो, तो वहां पर मॉडल्स वर्ब का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स का, लाइक मे, माइट, मस्ट और शुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट माइट ब्रेक, अगर तुम ये ग्लास गिरा देते हो तो ये टूट सकता है, यानी कि इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है और जो मेन क्लोज है उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है, और विल की जगह किसने ले ली है, जो मॉडल्स हैं उसने ले ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई गई है, पॉसिबिलिटी दिखाई गई कि अगर ऐसा करते हो तो ऐसा हो सकता है। आई मे फिनिश दैट लेटर इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इस लेटर को फिनिश कर चुका होता, यानी कि इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या किसका यूज किया है, मॉडल वर्ब्स का यूज किया है। तो इस तरह से कंडीशनल टाइप वन सेंटेंस को फोर
फॉलो किया जाता है। विल के बजाय कोई भी फ्यूचर प्लान करना हो, जब फ्यूचर प्लान को डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह से कंडीशनल टाइप सेंटेंस बनाते हैं? पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन और रिकमेंडेशन शो करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता, आई विल फिनिश दैट लेटर, तो मैं इस लेटर को फिनिश करता, है ना। मीन्स सिंपल प्रेजेंट। इफ क्लोज किस में है? इफ क्लोज देखिए, यहाँ पर इफ क्लोज किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। और जो मेन क्लोज है उसको किससे बनाया गया है? विल से, यानी कि सिंपल फ्यूचर का यूज किया है। मींस कंडीशनल टाइप वन सेंटेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। अदर एग्जांपल देखिए, व्हाट विल यू डू इफ यू मिस द प्लेन? इफ यू मिस द प्लेन इज इन सिंपल प्रेजेंट, और जो मेन क्लोज है वो किस में है? सिंपल फ्यूचर में, यानी कि कंडीशनल टाइप वन सेंटेंस है। तो इनके स्ट्रक्चर को हम ध्यान रखेंगे, इससे हमें समझ आएगा कि किस तरह के सेंटेंस है। वहां पर आपको फिलअप्स लेके पूछ लिया जाएगा कि कंप्लीट दिस सेंटेंस या फिल करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो वहां पर हमें फिल करना होता है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती, सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट किसे फॉलो करता है? प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर को। लेकिन यहाँ पर क्या है? वी आर गोइंग टू विजिट माई मदर। क्यों है यहाँ पर ये? क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब अ फ्यूचर प्लान। जब भी हम किसी फ्यूचर प्लान को डिस्क्राइब करने जाते हैं, तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, वी आर गोइंग टू विजिट माई मदर। अगर बारिश होती है तो हम अपनी मदर से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वी वर गोइंग टू विजिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है जब कोई क्या फ्यूचर प्लान को डिस्क्राइब किया जाए तो वहां पर, ठीक है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, आस्क मी पोलाइटली, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का यूज है, एंड आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या है? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज किया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये कौन से, किस टाइप के सेंटेंस है? कंडीशनल टाइप वन के सेंटेंस हो जाते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। कंडीशनल टाइप टू, जिनकी आईडी है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है। यानी कि इफ क्लोज में सिंपल पास्ट का यूज किया जाएगा, और जो मेन क्लोज है वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ड के साथ वर्ब फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ शी सॉ अ स्नेक, ठीक है, अगर उसने देखा होता, सा अ स्नेक, सा यानी कि सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, और जो मेन क्लोज है उसमें वुड यूज हुआ है, वुड के साथ वर्ब, ठीक है। तो मीन्स ये कंडीशनल टाइप टू सेंटेंस है, यानी कि अगर सिंपल पास्ट का यूज हुआ है तो उसके साथ हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वुड प्लस वर्ब और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें वुड के साथ वर्ब और आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझो, इफ आई वर रिच, ठीक है, सिंपल पास्ट है। यहाँ पर क्या है? आईडी क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? कि सिंपल पास्ट का यूज करना है, उसके बाद कंटिन्यूअस कंडीशनल का, यानी कि वुड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वुड स्पेंड ऑल माय टाइम ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग, ठीक है। यानी कि अगर मैं रिच होता तो मैं अपना पूरा टाइम ट्रेवलिंग करने में स्पेंड करता। मींस क्या है? ये कंडीशनल है, कंडीशन रखी गई है कि अगर धनी होता तो मैं ऐसा करता, बट आई एम नॉट रिच सो आई कांट, क्योंकि मैं रिच नहीं हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। यूजेस कहाँ यूज किए जाते हैं? टाइप टू कंडीशनल सेंटेंस है वो अनरियल, अनलाइकली और हाइपोथेटिकल कंडीशन को यूज किए के लिए यूज किए जाते हैं। मींस जो इमेजिन की जाती है कंडीशन, वो सच में हो नहीं रहा होता है, अनरियल होती है ना। एग्जाम्पल, इफ दिस थिंग हैपन, अगर ये चीज हुई होती, दैट अदर थिंग वुड हैपन, तब दूसरी चीज होती है ना, इस कंडीशन पे बेस है। एग्जाम्पल, इफ ही डिड हिज होम असाइनमेंट ही माइट वॉच टीवी, अगर उसने अपना असाइनमेंट कर लिया होता तो वो टीवी देख रहा होता। तो इस तरह से, यानी कि एक कंडीशन पे दूसरी कंडीशन टिकी होती है। दिस सेंटेंस आर नॉट बेस्ड ऑन द एक्चुअल सिचुएशन, ये इमेजिन की जाती है ना। और जो वर्ब होती है वो सिंपल पास्ट में होती है, और कोई भी टाइम होता है, जो दूसरी वर्ब होती है, जो दूसरी मेन क्लोज होती है, उसमें जो प्रेजेंट या कोई भी टाइम उसमें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन, जो इफ क्लोज होती है, वो सिंपल पास्ट में होती है, कि अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। अब वुड का यूज करने के लिए अदर मॉडल्स वर्ब का भी यूज किया जाता है, सर्टेनिटी, परमिशन और रिकमेंडेशन दिखाने के लिए। कैसे? शी माइट गेट अ बेटर जॉब इफ शी स्पोक इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश बोलती तो उसे एक अच्छी जॉब मिल गई होती, है ना। तो इस तरह से मॉडल्स का यूज भी किया जाता है वुड को रिप्लेस करके। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द वेदर वॉज नॉट सो बैड, अगर मौसम ज्यादा बुरा नहीं होता, वी वुड गो टू द पार्क, हम पार्क चले गए होते। मीन्स वेदर इज बैड सो वी कांट गो, हम, ये कहने का क्या मतलब है? कि वेदर बुरा है ना, मौसम बहुत बुरा है, इसलिए हम नहीं जा सकते। अगर देखिए, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मतलब तुम है नहीं ना,
होता, अगर मैं होता, आई वुड गिव अप स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग गिव अप कर देता, यानी कि ये कॉमन फॉर्म होती है एडवाइस की। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं जो कंडीशनल टाइप टू है। इसके आंसर, दे वुड बी डिसअपॉइंटेड इफ वी डैश देम आर प्रेजेंट। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। आपके पास ऑप्शन होंगे डिडंट ब्रिंग, वॉन्ट ब्रिंग और डोंट ब्रिंग। अब अगर आपको रूल्स पता है, ठीक है, रूल क्या है कि सिंपल पास्ट प्लस इफ क्लोज में क्या यूज होगा, सिंपल पास्ट, और जो मेन क्लोज होगी उसमें वुड का यूज होगा। तो सिंपल पास्ट कौन सी फॉर्म है, डिडंट, वॉन्ट या डोंट, कौन सी है सिंपल पास्ट? यस, डिडंट, है ना। सो राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाता है, डिडंट ब्रिंग, दे वुड बी डिसअपॉइंटेड इफ वी डिडंट ब्रिंग देम अ प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही वुड राइट टू हर इफ ही डैश हर एड्रेस। ठीक है, फिर से वही है, इफ क्लोज में हमें क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट का, तो कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, न्यू, नोस या वुड नो, कौन सी है सिंपल पास्ट, न्यू, न्यू सिंपल पास्ट है ना। वुड के साथ कौन सी, कंडीशनल टाइप टू में वुड के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करनी है, सिंपल पास्ट। सो राइट आंसर विल बी न्यू, सो इफ ही न्यू हर एड्रेस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशनल टाइप थ्री की बात करते हैं, जिसकी आईडी होती है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, जिसके साथ वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि इफ क्लोज में तो पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट मीन्स V3, हेड के साथ V3, है ना। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ क्लोज में हेड के साथ V3 यूज करनी है, और जो मेन क्लोज होगी उसमें वुड का यूज या फिर कुड का यूज या फिर माइट का यूज और उसके साथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू हैड सेव्ड, हैड के साथ V3, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। इफ यू हैड सेव्ड मोर मनी, यू वुड हैव बॉट या फिर कुड हैव बॉट अ कंप्यूटर। इस तरह से हम सेंटेंस बना लेते हैं। प्रोग्रेसिव की आईडी होती है हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, मेन क्लोज में, एग्जाम्पल से समझते हैं। वुड हैव बीन के साथ आईएनजी यूज हुआ है, और इसी तरह से हैड बीन के साथ भी आईएनजी का यूज हुआ है। यानी कि इफ क्लोज में भी प्रोग्रेसिव है और वुड हैव के साथ भी आईएनजी। आई वुड हैव बीन स्लीपिंग, आई वुड हैव बीन स्लीपिंग इफ दे हैड नॉट बीन मेकिंग दैट नॉइज। अगर वो शोर ना कर रहे होते तो हम सो रहे होते। दोनों क्या है, प्रोग्रेसिव में बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं, आई वुड हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि हम सो रहे होते अगर वो वाला शोर ना कर रहे होते। इफ क्लोज में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जो मेन क्लोज है उसमें वुड के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, परफेक्ट कंडीशनल की आईडी होती है वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कैसे, आई वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट इफ आई हैड बीन मोर केयरफुल। ठीक है, वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज, और अदर में परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशनल है तो वुड हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई वुड हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है, जो मेन क्लोज है उसमें वुड हैव के साथ आईएनजी यूज किया है, और जो इफ क्लोज है उसमें हैड के साथ V3, V प्लस आईएनजी का यूज किया है, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। यूसेस, जो टाइप थ्री कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो उसमें जो इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन होती है, मीन्स जो हुआ ही नहीं है, उसके बारे में बोला जाता है। और ये जो सेंटेंस होते हैं ये हाइपोथेटिकल और अनरियल होते हैं, क्योंकि वो कंडीशन पूरा होने में टू लेट हो चुका होता है, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है, सिर्फ वो इमेजिन करते हैं वहां पर। एग्जाम्पल, इफ आई हैड बीन मोर केयरफुल, आई वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, कि अगर मैं ज्यादा केयरफुल होता तो एक्सीडेंट ना हुआ होता। तो इस तरह से आप ये कंडीशनल थ्री सेंटेंस बना लेंगे। इनमें भी वेरिएशंस होते हैं। वुड की जगह एबिलिटी और परमिशन शो करने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ वी हैड स्टार्टेड अर्लियर वी कुड हैव फिनिश्ड ऑन टाइम। अगर हम जल्दी शुरू करते तो हम टाइम से फिनिश कर लेते। कुड हैव यानी कि एबिलिटी शो करने के लिए वुड की जगह कुड हैव का यूज करते हैं। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल, इफ वी हैड स्टार्टेड अर्लियर, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए माइट हैव का यूज करेंगे वुड की जगह, और एबिलिटी और परमिशन दोनों दिखाने के लिए कुड हैव का यूज होगा जहां पर वुड यूज होता है, यानी कि हैड बीन के साथ कुड हैव का यूज होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ द परफेक्ट कंडीशनल में वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। आई वॉज सिटिंग ऑन द बालकनी बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। मैं बालकनी में बैठा हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। इफ इट हैड नॉट बीन वेरी हॉट, अगर ज्यादा गर्म ना होता
ज्यादा गर्मी ना होती, आई वुड हैव बीन सिटिंग इन माई ऑफिस, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था. कंडीशनल है ना, तो इस तरह से जो लेंदी सेंटेंस होते हैं उनको बनाया जाता है कंडीशनल सेंटेंस फॉलो करते हुए, जो उनके रूल्स हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ वुड हैव का यूज करते हुए. अदर एग्जाम्पल, इफ आई हैड गॉन टू कॉलेज आई वुड बी सिटिंग इन अ कंफर्टेबल ऑफिस नाउ. अगर मैं कॉलेज गया होता तो मैं कंफर्टेबल ऑफिस में बैठा होता अभी. आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग एट दिस डोर ऑल डे लॉन्ग, और मैं लंबे समय तक इस डोर पर ना खड़ा होता. मत मीन्स मैं कॉलेज नहीं गया और अब मैं एज अ पॉटर काम कर रहा हूँ, है ना. पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि वो किया नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है कि काश अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो गया होता. Had he been careful, he would not have had that accident. अगर वह केयरफुल होता तो उसका एक्सीडेंट ना होता. इनमें कॉन्ट्रेक्शंस भी होते हैं. कॉन्ट्रेक्शंस क्या होते हैं? जो वुड और हैड दोनों हो, दोनों का कॉन्ट्रेक्शन किससे किया जाता है? इस तरह से कोमा लगा के और डी लगा के आपको दे दिया जाएगा. अब इनको कैसे पहचानना है? टू रूल्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के, ठीक है, उनको ध्यान रखना होगा. वुड कभी भी इफ क्लोज के साथ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है. और जो हेड नेवर अपीयर्स बिफोर हैव, सो हैव से पहले कभी हेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है. तो कॉन्ट्रेक्शन इस तरह से हम ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल देखो, इफ आई, और इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन करके दे दिया, आई हैड नोन, इफ कंडीशनल है तो सीधी सी बात है, अगर इफ कंडीशनल है तो वुड नहीं होगा, हैड का यूज होगा. बस इतना ध्यान रखना है, अगर इफ कंडीशनल है, इफ क्लॉज है, तो आपको हैड का यूज करना है, और बस इसी से पहचान हो जाएगी. और अगर हैव है, यहाँ पर हैव देख लेना, हैव है तो वुड, यानी कि ये कॉन्ट्रेक्शन क्या है, आई वुड, और ये वाला कॉन्ट्रेक्शन क्या है, आई हैड, ठीक है. तो इनसे हम पहचान कर पाते हैं क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रेक्शन सेम होता हैड का भी और वुड का भी. तो जैसे आई हैड नो यू वर इन हॉस्पिटल, आई वुड हैव विजिटेड यू, तो इस तरह से आप इनको पहचान लेंगे. एक और एग्जाम्पल देखो, आई और कॉन्ट्रेक्शन डी दे दिया, तो हैड आएगा या वुड आएगा? नहीं, हेड नहीं आएगा. क्या आएगा? वुड, क्योंकि इफ क्लोज नहीं है. इफ क्लोज कहाँ है? इधर है, तो इफ क्लोज के साथ हेड आएगा. और जो दूसरी क्लोज है, यानी कि जिसमें हैव का भी यूज हुआ है, वुड हैव का यूज हुआ है, तो वहां पर क्या आएगा? कौन सा कॉन्ट्रेक्शन है? वुड का कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है. प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखते हैं. इफ आई डैश एनफ मनी आई कुड हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट समर. इफ आई डैश एनफ मनी, ऑप्शंस हैड या हेड है, ठीक है. इफ है, इफ के साथ आपको बताएं किसका यूज होगा, हेड का यूज होगा, ठीक है. और हेड के साथ क्या, वी थ्री यूज होगी, तो क्या यूज होगा? आप देखो, सिंगल हेड नहीं आ सकता, इफ आई हेड एनफ मनी ये तो नहीं आएगा. वर्ब का है, वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा. हैव नहीं यूज होगा, ये वैसे कट जाता है. तो क्या है राइट आंसर, क्या होगा? हेड है ना, हेड यूज होगा, क्योंकि वर्ब क्या हैड, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल का, पास्ट परफेक्ट का यूज करना है ना. पास्ट परफेक्ट में हेड और वी थ्री यूज होती है. नेक्स्ट सेंटेंस भी, क्योंकि हमें रूल्स पता है, अगर हमें रूल्स पता है ना तो हम हमेशा अपना आंसर सही चूज करेंगे. कुड हैव का यूज हुआ है और किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, ठीक है, ये कंडीशन पूरी कर रहा है, ठीक है, इफ वाली कंडीशन ये पूरी कर रहा है. दूसरी में वी डैश ऑन टाइम, ठीक है, तो हमें पता है कि हैड के साथ क्या वुड हैव या कुड हैव इस तरह से यूज होगा, है ना. तो क्या आ जाएगा, वुड हैव अराइव्ड विल बी राइट आंसर. आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है. राइट आंसर क्या होगा, इफ वी हैड अ लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है. तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपने रूल्स नोट करिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छे से इसको रेडी कर लेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए.